सामग्री। मेरा नाम प्रिंस सिंह है। आज हम आपको राजस्थान से एक यूनिक और ट्रेडिशनल और हेल्दी रेसिपी बता रहे हैं, क्योंकि भिंडी है, भिंडी की बहुत तरह की वेरायटी है, लेकिन राजस्थान में जो भिंडी बनती है वो एक अचार के फ्लेवर में बनती है। अचार में जैसे आप अचार में कोई भी होममेड विकल्प है इससे बना सकते हो, आम का या इससे, लेकिन जो राजस्थान में जो भिंडी बनती है वो लहसुन के अचार में बनती है। जो लहसुन का चटनी या उसमें बनेगी वो एक यूनिक फ्लेवर है। तो मैं भिंडी बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट बता देता हूँ। तो मैंने ये भिंडी ले लिए, ऐसे ही आप काट के रख लेंगे, उसके बाद आप इसको या तो फ्राई करके भी रख सकते हैं। इसके लिए मैंने प्याज काट लिए, मिर्च मैंने दोनों तरह की काट ली, जैसे हरी मिर्च और लाल मिर्च, तो ये दोनों तरह की मिर्चें मैंने काट ली है। और इसके लिए जो मैंने लहसुन की चटनी बनाई है वो जो लहसुन की चटनी है एक अचार टाइप की लहसुन की चटनी है, दही लहसुन की चटनी है। इसको हम जैसे इसमें बनाएंगे सरसों के तेल में, और इसमें अचारी मसाला डालेंगे, सौंफ, जीरा, राई, साबुत लाल मिर्च, और गार्लिक की हमें डालने की जरूरत नहीं है, प्याज भी हम साबुत डालेंगे, अदरक डालेंगे। तो ये बेसिक स्पाइस है, चाट मसाला नहीं अमचूर पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च। सिंपल रेसिपी है। तो इसके बाद हम जब ये बनाएंगे इसके लिए हैवी बॉटम का पैन लेंगे, तो सबसे पहले पैन गरम कर लेंगे, उसमें हम सरसों का तेल ले लेंगे। सरसों का तेल है आपको पूरा जैसे स्मोकिंग पॉइंट तक लेना है। तेल गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे साबुत लाल मिर्च, के बाद अचारी मसाला, सौंफ, जीरा, राई ऐड करेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। प्याज को पकने में थोड़ा टाइम लगेगा तो प्याज ऐड करेंगे। जो डाइस की हुए जो आप सेंटर पार्ट और अनियन ले सकते हैं, जैसे इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे साबुत जो लाल मिर्च है फ्रेश वाली, उसको ऐड करेंगे, इसके साथ सौते करेंगे। हरी मिर्च जो बनाना चिली होती है वो, इसमें देखिए कितना यूनिक अचार का फ्लेवर आ रहा है। तो एक अचारी भिंडी है, ट्रेडिशनल रेसिपी है और यूनिक रेसिपी भी है और कलरफुल फूड भी है। स्टेज पे जैसे आपने अगर भिंडी काटी नहीं हुई, जैसे फ्राई नहीं की हुई है, तो आप भिंडी को जैसे दोनों मुंह से काट के फ्राई कर लिए हो, फ्राई करने के बाद, हाफ फ्राई करने के बाद आप साइड में रखने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम जैसे के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और लाल मिर्च। लाल मिर्च राजस्थान में एक स्पाइस का बहुत ही एक महत्व है, लोग स्पाइसी फूड खाते हैं और लोगों को स्पाइसी खाना भी पसंद है।
उसके बाद हम इसमें ये ऐड कर देंगे लहसुन की चटनी, कई लहसुन की। तो ये भिंडी बनेगी ड्राई बनेगी। इसके बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे एज पर टेस्ट। तो ये हमारी भिंडी बनके तैयार हो चुकी है। इतनी यूनिक है, कलरफुल है। इसके बाद हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। आप चाहिए तो नींबू भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल रेसिपी, आप घर पे इजीली से बना सकते हैं। इसके बाद हम इसको किसी सर्विंग बोल में ले लेंगे। आई थिंक आपको पसंद आएगी ट्रेडिशनल एंड हेल्थी रेसिपी बाय प्रेम सिंह राठौड़ ऑन रावी रसोई अचारी भिंडी राजस्थानी स्टाइल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।